पैंडेमिक के बाद भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव देखे गए हैं। दर्शकों की पसंद भी काफ़ी बदली है। अब हिंदी और दक्षिण सिनेमा के बीच की खाई कम हो रही है और फिल्मों का आदान प्रदान बड़े पैमाने पर हो रहा है। लखनऊ में नानी ने फिल्म दसरा का प्रचार किया और टीम के साथ नानी ने फिल्म दसरा का हिंदी ट्रेलर लॉन्च किया। इस खास मौके के लिए एक ट्रैक तैयार किया गया था। नानी ने कहा कि सिनेमा का विस्तार अब पहले से कहीं ज़्यादा हो गया है और इसमें लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। उत्तर या दक्षिण का बंटवारा अब खत्म हो रहा है। दसरा भारतीय दर्शकों के लिए बनाई गई फिल्म है। एक्शन से भरपूर फिल्म दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगी। तो हमेशा अभी और बहुत खुशी हुई कैसे भी हमारी फिल्मों में सॉन्ग एंड डांस तो कंपल्सरी है, तो जरूरत नहीं। अब दशा में मास्टर के तो एक सॉन्ग है धूमधाम दोस्ता, तो हमें बहुत मज़ा आएगा। ऑस्कर वो बता दें मगर मज़ा तो आएगा पक्का। मुझे पता है, मैंने बोला कि मैच कर रही है। कुछ भी सिमिलर नहीं है वो पिक्चर के साथ, इतना बस ये मेरा दादी और मैं लोगी बने हैं, बस इतना ही सिमिलर है, उससे ज़्यादा कुछ सिमिलर नहीं है। और मैच करने के बाद आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ। शायद इसके बाद में बहुत सारे पिक्चर आएंगे इसके साथ दसरा का सिमिलर होगा, मगर अभी साल का, और जैसे वो मनाते हो ना बहुत इम्पोर्टेंस है उसको, और जब आप ये पिक्चर देखेंगे तो उसका कल्चर उसका सब पता चलेगा। और मगर क्यों ये पिक्चर इतने सारे लैंग्वेज में रिलीज हो रहा है उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है, क्योंकि इसका इमोशन बहुत स्ट्रांग है। ये पिक्चर में लव, फ्रेंडशिप और रेस का एक कॉम्बिनेशन है। आई थिंक एनी फिल्म लवर, एनी मूवी लवर लव्स दिस कॉम्बिनेशन एंड इट इज सच अ रिलेटेबल इमोशन। तो बिग स्क्रीन में बहुत मजा आएगा पिक्चर। तो वेरी फ्यू फिल्म्स का वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा। अच्छी फिल्म, अच्छी नैरेटिव होगा, एंगेजिंग फील होगा, एट द सेम टाइम थिएटर में विजुअल मारने के लिए मन होगा बहुत सीन्स में। तो ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, आप वेट करके मार्च करके देखना पड़ेगा। यानी व्हाट मेड यू टू ऑप्ट फॉर दिस मूवी और इट्स ऑथेंटिसिटी, और जनरली जो जो जिस काइंड ऑफ स्टोरी हम सुनते हैं नरेशन में, ये बहुत अलग था, बहुत यूनिक था, बहुत डिफरेंट। जो भी पिक्चर में देखते आए उससे बहुत अलग है, तो सोचा कि यार ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए। और इसका डायरेक्टर श्रीकांत डोडेला, वो भी बहुत पसंद आया मुझे, उसका नरेशन पसंद आया, उसका जो वो जो वर्ल्ड को जो नुआंसेस को जो डिटेल्स को क्रिएट किया वो बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा आपको भी बहुत पसंद आएगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।